एक काम करो, उसको किसी बहाने से हम बुलाते हैं और फिर पैसे निकलवाते हैं। रवि जी का फेर फोन आ गया। हेलो, हाँ जी, सत श्रीकाल जी। और जी हुण तां बंद हो गया जी, काम टाइम खत्म हो गया जी। और समान छोड़ना है क्या? चलो कोई नहीं, काम समझने के लिए आ जाता हूँ। हाँ ठीक है जी, अभी आ रहा हूँ जी, अभी आ रहा हूँ। हाँ जी, अभी घर बहुत सोना है, बहुत वधिया घर बनाया आपने, तो पूरा सेट कर लिया। मैं समान देने आया था तब नहीं था ऐसा। आओ आओ, रवि तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। अभी आज पता क्या हुआ? मैंने ना, रवि जी ने पूछा मुझसे क्या लिखा है, मैंने बोल दिया कि रवि लिखा होगा उन्हीं का नाम, जबकि लिखा राजे है पंजाबी में। रवि भाई सत श्री अकाल। हाँ जी, बुलाया आपने। 5,000 दे। 5,000? कौन? 5,000 दे। मैं शरीफ बन के खड़ा हूँ। आज सुबह जो पर्स से चुराए हैं 5,000, उनकी बात कर रहा हूं। मैंने कहीं भाई कमाल है, ये देखो भाई, चोर लोगों के घर काम करने के बहाने अगर पैसे ही चुराने हैं तो संत महात्मा बन के क्यों फिर रहा है? शुक्र मनाओ, हम तुम्हें पुलिस में नहीं दे रहे। हद मचा रखी है। निकल जाए यहां से, चोर सरदार। रवि, आई थिंक हमसे कुछ गलती हुई है। दादी, वो आप अपने पैसे देना भूल गए। मैं आपको बेफालतू मारता रहा, आपने कुछ नहीं कहा, और फिर मैं आपकी आपकी पगड़ी के बारे में भी बोला, तब भी चुप रहे। एक बात याद रखना, आप जब सिर पे पगड़ी बांधी है तो चोरी नहीं कर सकता, और अगर चोरी ही करनी थी तो सिर पे पगड़ी ना होती। मुझे दिक्कत ये नहीं कि आपने मुझ पे शक करा, दिक्कत इस बात से है कि आज भी पगड़ी बांधे हुए सिखों पे शक होता है कि हम भी चोरी कर सकते हैं। इसमें गलती आपकी नहीं, कहीं ना कहीं कुछ लोग हमारी कौम के कहीं ना कहीं गुनहगार रहे हैं, तो शायद ये शक बन रहा है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ये शक दूर कर सकूं और एक विश्वास दोबारा बनाऊं। नए घर की मुबारकी। सत श्री अकाल सर जी, आप और आपकी कौम सच्चे दिल से राजे। जे सजे सिर ते पग वीरे, फिर किदां करां मैं चोरी नी, जे मरे जाइए ता अरदास को, फिरे से रूप चे मोड़ी नी, मैनू खालसा